सरदार साहब, आज इस्तेकाम पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस हो रही है पिशावर के लिए, उसके लिए हम देख रहे हैं कि मानसेरा से हजारों की तादाद में आपकी क्यादत में यहाँ से लोग जा रहे हैं। बड़ाग्राम से भी हमने देखा है कि आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जियाले हैं, वो मानसेरा बल्कि बड़ाग्राम से भी आए। तो कहती होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से जो रैली पिशावर में लग रही है, उसमें जिला मानसेरा से, बड़ाग्राम से, तबाद, हरिपुर, इंशाल्लाह हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं और उसमें शरीक हो रहे हैं। ये 9 मई का जो वाकया हुआ था 2023 को, पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का वाकया कभी भी नहीं हुआ जहां एक पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर और पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर और उनके जो एसेट है उस पर जो कोई भी मुवत्तल पाकिस्तानी हमला नहीं कर सकता। तो इस वजह से पूरी कौम में एक इस पर बहुत ही गम गुस्सा भी था कि ये क्यों हुआ है। कभी भी सियासत में इस तरह के वाकयात नहीं हुए थे। तो इस वजह से आज 9 मई को एक इजहारी यकजहती के तौर पर भी, जो कि इस वक्त मतलब है पूरे सूबा में, पेशावर में एक बहुत बड़ी रैली भी होगी जिसमें हजारों डिवीजन से बिलमूम और ख़ास तौर पर मानसेरा से बिलखसूस जो लोग हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह उसमें शरीक हो रहे हैं। और इंशाल्लाह हम जो इस मौके पर ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये मुल्क अल्लाह के फजल व करम से इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ और पाकिस्तान आलम इस्लाम में एक मकाम रखता है। अल्लाह ताला ने इसको एक एटमी कुव्वत भी अता की है और पाकिस्तान पूरे जो आलम इस्लाम ही नहीं, पूरे दुनिया में भी इसका एक मकाम है, जिसका जो इमेज है उस लिहाज से उसका मकाम उसको मिलना भी चाहिए। और हम चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन पाकिस्तान सबका है और हर शख्स जो भी पाकिस्तानी है वो इस मुल्क के दिफा के लिए, इस मुल्क के जो हिफाजत के लिए
और इस्तेकाम के लिए इंशाल्लाह वो अपना रोल अदा करेगा, अपना किरदार अदा करेगा, उसका फर्ज बनता है। इस वजह से आज हर मकतबा फिक्र के लोग भी निकले और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंशाल्लाह लोग बड़े जोश व खरोश से दूर दराज से अभी पहुँच रहे हैं रास्ते में, यानी उन्होंने टेलीफोन आ रहे हैं कि हमारा ज़रा इंतज़ार करें, क्योंकि दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद इस रैली में शरीक होंगे कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक जो ताकत दी है, पाकिस्तान के अवाम को जो ताकत दी है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को और ज़्यादा मजबूत भी करेगी। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो कि 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, पाकिस्तान चंद लोगों का भी नहीं है, जो इंतशारी टोले ने 9 मई 2023 को जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाकों में गिराव जलाव किया और जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, कोई डकी छुपी बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हम बात इसलिए करते हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान के इस्तेकाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करती रही है, और एक रिकॉर्ड है 2013 से 2018 तक जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली के लिए रिकॉर्ड काम भी कराए हुए हैं। आज सबसे बड़ा सबूत आप देखें, हम ये मोटरवे पर अभी चढ़ रहे हैं, यहाँ से पेशावर तक जहाँ पहले 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, अब अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग की हुकूमत ने यहाँ से लेकर वहाँ सिर्फ 2 घंटे में इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत आवाम के लिए जो होती है सबके लिए, और इससे पूरे पाकिस्तान में यानी पूरे मुल्क में पाकिस्तान को जो तरक्की मिली है, दूसरे ममालिक भी उसको सराहते हैं। CPAC का जो बहुत बड़ा माहदा हुआ था मुस्लिम लीग नून के वक्त, जिससे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शाहराएँ बनी हैं और मोटरवे बनी हैं और डैम बने हैं और काम हो रहे हैं, इसी तरीके से हज़ारा इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी बनी है, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हज़ारा के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और पूरे हज़ारे के लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अपने यहाँ पर जो हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, उससे यहाँ के नौजवानों को भी फ़ायदा होगा, यहाँ के अवाम को भी फ़ायदा होगा। ये इसकी बुनियाद जो रखी है, इंशाल्लाह हम आइंदा जो स्टेप उठा रहे हैं इंशाल्लाह कि सुबह हज़ारा भी पाकिस्तान के जो हज़ारे के लोगों का हक है, पाकिस्तान में छोटे मजीद सूबे बनने चाहिए और हज़ारा भी सबसे पहले बनना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ नौजवानों ने 12 अप्रैल 2010 को अपनी जान का नजराना दिया है, शहादतें दी हैं, इसलिए उस तारीख में हम सारे शरीक हैं। लेकर जहां पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात है, पाकिस्तान को मुतहद करने की बात है, उसमें हज़ारे का हमेशा से रावल दस्ते का रोल रहा है। ये आज की बात नहीं है, 1947 की बात है, उस वक्त शायद हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हज़ारा के बुज़ुर्गों ने उस वक़्त भी 100% पाकिस्तान के हक में वोट देकर इस सूबे को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। आज हमें आज़ादी जो मिली है उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में मिली है और ये पूरा सूबा पाकिस्तान में शामिल हुआ है। खुदा ना ख्वास्ता वो उस वक़्त मेहनत न करते तो आज हम कश्मीर की तरह हिंदुस्तान के ग़ुलाम होते। ये जो उन्होंने कुर्बानी दी है, जिसके नतीजे में हमें अल्लाह ने आज़ादी दी है, ये मुल्क हमें आज़ादी के से मिला है, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में मिला है। आज इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क को तरक्की देना, इस मुल्क के दफाई इदारों ख़ास तौर पर फौजी पाकिस्तान है या इसी तरीके से बाकी जो जितने यहाँ की जुडिशरी है, यहाँ की जो मुकन्ना, यहाँ की जमहूरी निज़ाम है, उसको मजबूत करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, फ़र्ज बनता है। तो जहाँ जो अस्करी इदारों के पर हमला किया गया था, वो पाकिस्तान पर हमला है। जहाँ हमारे दफा पर कोई हमला करता है, ये तो दुश्मन ही कर सकता है, मौजूद वतन पाकिस्तानी कोई सोच भी नहीं सकता। तो उन हीरों के मुजस्मों को जो रौंदा गया है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है हमारे लिए, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो आज इसलिए मतलब उन शहादा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम ये रैलियां में निकाल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जी रिकॉर्ड पे भी है, रियासत के लिए रिकॉर्ड पे है,
कि जो चरपसंद है उन्होंने जो है वो दहशत गर्दी की, लेकिन अब तक उनको जो है वो सजा नहीं मिली, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे सरदार साहब? इसी मैं ये कहूंगा, मैं जी सवाल कर लेते हैं दोनों की, कि वो बन रहा है तो डीजीआई इस प्यार ने भी आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्योंकि पीटीआई के लोग कह रहे थे कि हम जो है उनके साथ कोई उनकी डील हो रही है, तो डीजीआई इस प्यार ने ओपन कह दिया है कि जी शरपसंदों के साथ कोई डील नहीं करेंगे, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखे शरपसंद या मुजरम है उनके साथ डील कभी भी नहीं हुई और ना होनी चाहिए। देखे जिन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है उनको जरूर सजा मिलनी है, पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक सजा है, जरूर मतलब अदालतें हैं जो कोर्ट्स हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि ये किसी को हिम्मत ही ना हो सके, हो सके ये कोई शरपसंद बाहर से भी मतलब है उनकी पुष्पनाई करते होंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचाने चाहते होंगे, इस वजह से जहाँ तक मतलब है सजा जजा का ताल्लुक है, जब अगर मुजरम को सजा नहीं होगी और किसी मोहब वतन को उसका अगर मतलब उसकी हौसला अफजाई नहीं होगी तो फर्क तो नहीं रहेगा, इस वजह से जो भी अगर इस वक्त हुआ है ये अदालत का काम है, ये उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है, अदलिया आज़ाद है, वहाँ पर ऑलरेडी केसेस हैं रजिस्टर्ड हुए हैं, उस पर इंशाल्लाह वो करेंगे, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से आज के दिन पूरे पाकिस्तानी जो कौम है इस दिन को यौम सियाह के तौर भी मनाते हैं, इस वजह से मनाते हैं कि बड़ा बदकिस्मत दिन था, वो दिन था जहां हमारे जो निशान हैदर जिन लोगों ने लिए हुए थे उनके मुजस्मों की तोहिन की है और उनकी यादगारों की बरामदगी की है, और इसी तरीके से आप देखें कोर कमांडर के घर को जलाया गया, जहां ये घर जिस नाम से मनसूब था कि जना हाउस के नाम से बानी पाकिस्तान के नाम से मनसूब था उसको जलाया गया, पाकिस्तान अफवाज की जो वर्दी है यूनिफॉर्म है उसको जलाया गया, और इसके साथ ही जो रेडियो पाकिस्तान जो पेशावर एक यादगारी रेडियो पाकिस्तान था उसको जलाया गया, और जो पाकिस्तान की एक अलामत है कि चागी का जो एक निशान जो एटमी धमाका किया गया था चागी में तो उसको वहां पर जलाया गया, इसका क्या मकसद है आप खुद अंदाजा लगा। 28 मई को तो यौम तकबीर के तौर पर हम इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह के फजल करम से उस वक्त 28 मई को जो एटमी धमाके करके ये साबित किया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अल्लाह के फजल से एक कुवत है और एटमी कुवत है, हम इंशाल्लाह हर जारियत का मुकाबला कर सकते हैं, हमारे अवाम भी हमारी फौज भी हमारे जो जितने अदारे हैं उसके लिए इंशाल्लाह तैयार है, तो ये बहुत बड़ी तौहीन हुई है और ऐसे लोग शरपसंद लोग हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। सरदार साहब पेशावर में इस वक्त बैठे हुए वजीर आला बैठे हुए अली अमीन गंडापुर 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा था जी हम हर जगह पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, मानसेरा में हमारे जो स्पीकर हैं उनका ताल्लुक मानसेरा से बाबर सलीम सवाती, तो न पेशावर में कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है न मानसेरा में, ये दोनों शख्सियात उसमें शामिल नहीं हो रही, अली अमीन गंडापुर जो है वो मेरे ख्याल से अपने इलाके में छोटा सा कोई प्रोग्राम करें, तो सर वजह क्या है? मानसेरा में आप हजारों की तादाद में निकल आए, पेशावर में और आपके लोग वहाँ पे निकल आए, तो क्या ये कोई डर है या क्या वजह है? देखें हम तो जिस नतीजे से निकले इस वजह से कि इस मुल्क के मोहब्बत में और इस मुल्क का जो उसके लिए जो हक है अदा करने के लिए उन शहदा का हक है, हम उसके लिए निकले, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वज़ीर आला इस मुल्क का इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ से भी बाकी जितने लोग जिम्मेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो हमारे साथ शरीक हों आए, पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान के दफा के लिए हम सारे इंशाल्लाह निकलेंगे और इसी तरीके से पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली के लिए, अगर उनमें ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि जो इंतशारी ग्रुप था वो ये भी दावा करते हैं ये कुछ और लोग थे तो ये क्यों नहीं आते फिर हमारे साथ आए ना, ये साबित करें कि हाँ जी अगर कोई और लोग थे तो हम उनके खिलाफ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हम उनके खिलाफ है, बाकी जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने मंशूर के मुताबिक अगर काम करती है उस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ राय हो सकता है, अपना अपना एक मंशूर है, हमारी पार्टी का अपना मंशूर है और इसी तरह हर पार्टी का मंशूर है, लेकिन मुल्क सबका है और पाकिस्तान और पाकिस्तान के वकार के लिए पाकिस्तान की इज्जत के लिए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दफा के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब उसके लिए मुतहद हैं इंशाल्लाह। नाम सरदार मलक जान है, पीपल पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और हम काफिला लेकर आए हैं इसलिए कि पाकिस्तान की दफा और पाकिस्तान की बका हमें चाहिए,
और पाकिस्तान में जिन लोगों ने 9 मई को तोड़फोड़ की है, जिन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए और उनको पकड़ा जाए, उनको सजाएं दी जाए। और इसी तरह ये हमारी पूरी कौम पाकिस्तान फौज के साथ है, पाकिस्तान फौज की कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान फौज के नौजवानों की कुर्बानियां हैं। हम उनकी इंशाल्लाह पुरजोर तरीके से हिमायत करते हैं और दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह इनको कामयाब करे और इनको अल्लाह जजा दे। कि ये ना होते तो आज ये दिन 9 मई से भी बदतर हो जाता। अल्लाह ने फौज को भी तौफीक दी, हमें भी तौफीक दी, मज़ीद हम भी और पाक फौज भी इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए सुतून बन के काम करना होगा। और जो चोर चकारे हैं, जो बाहर के जांटे हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज जो इस्तेकामे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो आज पेशावर में होने जा रही है, तो इंशाल्लाह जिला मानसेरा से हजारों की तादाद में हमारा काफिला रवान दवा है, जिसकी क्यादत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। और जो 9 मई को जो वाकया हुआ, ये एक बरबरियत का दिन था। हमारे शहादा की पिक्चरें जलाई गईं, हमारे शहादा की पिक्चरों की बेहरमती की गई। ये एक सरासर हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। आज जिला मानसेरा से हमारे काफले रवान दवा हैं। जैसे इंशाल्लाह हमारे काफले यहाँ पानो इंटरचेंज पे पहुँचेंगे तो हम इंशाल्लाह सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की सरपरस्ती में पेशावर के लिए रवान दवा होंगे, जिसकी सरपरस्ती इंशाल्लाह आज हमारे काफले की सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं अपने तमाम बुजुर्गों का और नौजवान भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जो इस काफले में आज शरीक हुए। और ये जो एक इस्तेकाम पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस है, इंशाल्लाह ये साबित हो चुका है कि इंशाल्लाह जो लोग जिनके मज़मूम इरादे हैं तो वो इंशाल्लाह हमारी ये पाकिस्तान की अक्वाम उनके मज़मूम इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। रहमान रहीम, जिस तरह के पूरी कौम को पता है कि 9 मई को बैरूनी ताकतों के वहाँ पर अलाकार बनकर पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ जो एक साजिश की गई थी, उसकी भरपूर मजम्मत के लिए और पाकिस्तानी अफवाज के साथ दार यकजहती के लिए आज पेशावर में एक दार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। और मानसेरा से सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की क्यादत में एक जुलूस यहाँ से जाएगा, जो कि भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मानसेरा से भी, बटग्राम से भी और एबटाबाद हरिपुर से शिरकत करेगा। ये पाकिस्तानी कौम का फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की दफाई अफवाज के साथ खड़े हों, पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस्तेकाम के लिए और खुशहाली के लिए। ये पूरे पाकिस्तान में आप खेल में 9 मई के वाकयात, अब जो है हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। ये बैरूनी एक एजेंडा है, साजिश है, तो उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह सरदार मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में यहाँ से हमारे पूरे हज़ारा डिवीजन से बटग्राम हो गया, कोहिस्तान हो गया, मानसरा, एबटाबाद, हरिपुर, ये तमाम हज़ारा डिवीजन से अल्हम्दुलिल्लाह सरदार मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में इंशाल्लाह ये काफिला इस्तेकाम पाकिस्तान के बारे में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है पेशावर में, इंशाल्लाह उसमें भरपूर इंशाल्लाह सरदार मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में ये इंशाल्लाह हम सारे लोग ये काफिला लेके जा रहे हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ हैं, हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। सबको सलामत रखे पाकिस्तान में, अल्लाह ताला अपना फजल करम करे, निजाम जमहूरी निजाम अल्लाह ताला मजबूत बनाए।
पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सरदार मोहम्मद यूसुफ जिंदाबाद।